नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अगर आप वोटर हैं, आपके घर से कोई वोट डालता है तो वीडियो जरूर देखें। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छा डिसीजन लिया था और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है वोटिंग को लेकर, वोटिंग कैंडिडेट्स को लेकर, जो या नेता हैं इनको लेकर। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स पर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। बात है 10 जुलाई 2020 की। इसके आसपास सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया था, एक जजमेंट पास की थी। वो ये थी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, जो नेता हैं, उनको अपना क्रिमिनल बैकग्राउंड शो करना होगा, पब्लिकली शो करना होगा। काफी जबरदस्त जजमेंट थी ये। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्यों किया, उसके बारे में मैं बात करता हूं। पहले ऐसा जजमेंट उन्हें इसीलिए लेना पड़ा क्योंकि ईयर बाय ईयर, टेनोर बाय टेनोर, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जो क्रिमिनल्स हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, वे इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो कैंडिडेट्स हैं, वे काफी इंक्रीज हो रहे हैं हमारे सिस्टम में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया, इसीलिए ये जजमेंट पास किया। एक बार नजर डालते हैं डाटा पे, कितने क्रिमिनल्स हैं 2009 से लेकर 2019 तक के। तो चलिए एक बार डाटा पर नजर डालते हैं। 2009 की मैं बात करूं तो 30% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केस थे, जिनमें से 14% सीरियस क्राइम केस थे। अब काफी लोगों का यह भी कहना है कि ये फेक केसेस भी हो सकते हैं। मान लीजिए 2-4% फेक हो, क्या सीरियस क्राइम केस भी फेक हैं? चलो मान लीजिए वे भी फेक है, 2% वे भी फेक है। अगर 12% भी सीरियस क्राइम केस थे 2009 में, तो भी आप देख सकते हैं। बात करता हूं 2014 की, तो 34% एमपीज थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे, जिसमें से 21% सीरियस क्राइम केस थे। बात करूं 2019 की, तो 43% एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, जिसमें से 29% आर सीरियस क्राइम केसेस। आप देख सकते हैं 2009 में क्या था और 2019 में क्या हो गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था और इसी डाटा को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये जजमेंट दिया है, ये इनिशिएटिव लिया है, कुछ गाइडलाइन पास की हैं। तो चलिए बात करते हैं उन गाइडलाइंस के बारे में। इंडिया ने बोला है कि जो भी कैंडिडेट है, पॉलिटिकल कैंडिडेट है, जो भी नेता है, वो 3 बार पब्लिश करेगा अपनी केस की इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन में क्या इंक्लूड होगा, क्या उसके खिलाफ केस है, क्या उस केस की प्रोग्रेस है, वो पेंडिंग है या चल रहा है, डेट उसकी लग रही है या नहीं लग रही है। तो 3 बार वो ये इंफॉर्मेशन पब्लिश करेगा अपने इलेक्शन से पहले, जो पोलिंग होगी उनसे पहले 3 बार। तो देखिए, अगर पब्लिकली वो ये इंफॉर्मेशन बताएगा तो वोटर्स उनको काफी हेल्प होगी उसका बैकग्राउंड जानने में, उसका असली चेहरा पहचानने में। ऐसा नहीं है कि अच्छाई का नकाब पहनकर अंदर एक शैतान बैठा होगा, अब ऐसा नहीं होने वाला। देखिए, पब्लिश तो अब भी हो रही है इंफॉर्मेशन, अब भी वो बताते हैं अपना पूरा बैकग्राउंड, लेकिन वो क्या बेहतर अपनाते हैं, वो ऐसा पैतर अपनाते हैं कि जो लो सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर हैं, जिनको ज्यादा नहीं पढ़ता कोई, उनमें उस इंफॉर्मेशन को वो पब्लिश कर देते हैं। अगर बात करूं उनकी वेबसाइट की, तो वेबसाइट पर वो उस इंफॉर्मेशन को इतनी अंदर छुपा देते हैं कि आप उसको ढूंढ नहीं पाएंगे, एक तरीके से इम्पॉसिबल काम हो जाएगा आपके लिए वो ढूंढना। अब देखिए, एक मिडिल क्लास आदमी है, वो अपने फैमिली को भी टाइम देना चाहता है, वो अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहता है, जॉब भी करनी है उसको, और भी काफी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो वो कहां इतनी अंदर तक वेबसाइट पर इन चीजों को ढूंढने बैठेगा। उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये चीजें इतनी बारीकी से देख पाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको बोला है कि आपको 3 बार पब्लिश करना हो, वो भी पब्लिकली, चाहे आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पर आप इसको पब्लिश कीजिए, चाहे न्यूज़पेपर में आप इसको पब्लिश कीजिए। ऐसा नहीं है लो सर्कुलेटिंग न्यूज़पेपर में आप इसको पब्लिश कर देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साफ साफ गाइडलाइंस है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन, आपका जो डाटा है, वो पब्लिक तक जरूर जाना चाहिए। अब बात करता हूं जो हम हैं वोटर्स, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, सब बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी भ्रष्ट है, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, हम सभी पार्टियों को ब्लेम करते हैं जो जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। देखिए, इस करप्शन की शुरुआत है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कौन है, वो हम है। हम ही इन क्रिमिनल्स को चुनकर आगे भेज रहे हैं। अगर हम एक बार अवेयर हो गए, हमें एक बार पता लग गया कि इसका क्या बैकग्राउंड है, इसका असली चेहरा क्या है, अगर हमें एक बार इस चीज का पता लग गया, तो
तो हमें भी काफी मदद होगी अपना एक अच्छा नेता, एक अच्छा प्रतिनिधि चुनने में। देखिए, अगर हम अपने लेवल से चीजों को ठीक करते जाएंगे तो ही हम उम्मीद कर सकते हैं कि बड़े लेवल पर चीजें अच्छी हों। अगर हम अपने लेवल से अच्छा नेता चुनेंगे तो वहां पर वो जाके हमारी बात अच्छे से रख पाएगा, हमारे भी काम अच्छे से हो पाएंगे। आप खुद भी अवेयर होइए, दूसरों को भी अवेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिए आप इस वीडियो को, ताकि पब्लिक अवेयर हो, सबको पता लगे कि हाँ आने वाले समय में ये चीजें होंगी। बिहार इलेक्शन को नजर में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया है। देखिए, जिसको भी आप बताना चाहते हैं इस वीडियो को, आप उस तक पहुंचा दीजिए। आप सभी का काम नहीं है कि छोटी छोटी चीजों को आप देखें, वो काम मैं करूंगा। आपका काम बस इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड आप जो भी अपना सजेशन देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि हमारे सिस्टम में क्या चेंजमेंट हो। जल्दी मिलूंगा ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवार का बढ़ती हुआ हमारे से ध्यान रखें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।